दावत, और उसके लिए आज हम बना रहे हैं चार डिशेस जो कि बहुत ही जबरदस्त सी और मजेदार सी हैं। शीर खुरमा भूल जाए और फिरनी बनाए, और वो भी इतनी मजेदार के उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग। फिरनी की सबसे खास बात यह है कि बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन एक ट्रिक है इसमें जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इसको अच्छा बनाना है मिनटों मिनटी। अच्छा जी, सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दूध चाहिए आपको, ठीक है? 12 ग्लास दूध है, आपने इसको नाप लेना है। ग्लासों का हिसाब है, मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस हिसाब से ग्लास रखने आगे जाके। उसके बाद आपने उस दूध को चूल्हे पे चढ़ा देना है और उसको उबाल आने देना है। उबाल आ जाएगा तो आपने दूध की आंच हल्की कर देनी है और उस दूध को ना हल्की आंच पे पकने देना है। और तकरीबन ये 1-1.5 घंटे से दूध पक रहा है, और अब आप देखें इसकी शक्ल, देखें इसकी लुक चेक करें, ठीक है? हल्की आंच पे पकाना है, हर 10 मिनट के बाद आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि जो बिलाई ऊपर जमती है ना, सतह पे आती है, वो दूध के अंदर मिक्स होती रहे। ये सीक्रेट है सबसे बड़ा कि टेस्ट आपकी जो फिरनी है ना उसका इम्प्रूव होगा, इसलिए ये स्टेप जरूर करना आप। अच्छा जी, दूसरी चीज जो फिरनी में डलती है वो होती है चावल, चावल का आटा। अब ये है 2 ग्लास चावल का आटा, 12 ग्लास दूध था और 2 ग्लास। मैं आगे जाके आपको बताती हूँ ये हिसाब कैसे लगाना है आपने ग्लासों का। अच्छा, ये मैं आपको ग्लास दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वाला ग्लास है जो मैंने नापा है। 2 ग्लास चावल का आटा है जिसको आप दूध के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से, या पानी के साथ जो भी अवेलेबल हो। ये देखो, अच्छे से ऐसे आपने पतला सा इसका ये बेस बना लेनी है जो कि हम दूध में शामिल करेंगे। और ये देखें, ठीक है? अच्छा, ये देखें, ठीक है, आंच हल्की कर देंगे हम दूध की, और इसके अंदर हम वो बैटर डाल देंगे जो भी हमने मिक्स करके रखा है, और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे, ठीक है? अब मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो इसलिए मैं अभी आपको डाल के तो फिर चेक कराती हूँ। ये देखें, मैंने अब इसमें चावलों का बैटर डाल दिया है, और ये चेक करें, ठीक है, अच्छे से ये मिक्स हो गया है, और ये इसके लम्स खत्म हो जाएंगे अभी जब थोड़ी देर चम्मच चलाते रहेंगे, जो थोड़े बहुत हैं, वैसे तो इंशाल्लाह नहीं बनेंगे लम्स। और उसके बाद ये फौरन से ही गाढ़ी होना शुरू हो जाती है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, आपने मीडियम फ्लेम कर देना है। और अब हम इसमें डाल देंगे साथ ही चीनी, मैंने इसमें 2 कप चीनी डाली है। उसके बाद ममैंने मीठा चेक किया था, मुझे थोड़ा सा कम लगा, फिर मैंने 1 कप और डाली, तो 3 कप चीनी इसमें डली है। और ये देखें, चीनी डालने के बाद आपने आंच थोड़ी सी तेज कर देनी है, थोड़ी सी यानी कि मीडियम हाई फ्लेम कर देना, क्योंकि चीनी का पानी खुश्क होना। चलें जी, ये देखें, ठीक है, चीनी का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है, और ये देखें इतनी ही कंसिस्टेंसी पे मैं इसको उतार लूंगी क्योंकि इसने ठंडे होके अभी और भी गाढ़ा होना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने हिसाब कैसे लगाना चावलों का आटे का। लेकिन आपने भी एक चीज नोट की कि एक चीज हम भूल गए, क्या इसमें डालना भूल गए? इलायची। बिल्कुल याद नहीं रहा, और सारी फिरनी पक के तैयार होगी, लेकिन खैर बहुत मजे की बनी थी फिर भी। इलायची जब शुरू में आप दूध चढ़ाएंगे ना, तब आप इसमें 3 से 4 इलायचियां डाल दें जबरदस्ती खुशबू के लिए। अच्छा, अब आपने इसको क्या करना है, सर्व कर देना है, ऊपर से गार्निश कर दें पिस्ते के साथ, बादाम के साथ, खोपरे के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और क्वांटिटी अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने दूध का और चावलों के आटे का हिसाब कैसे रखना है, क्योंकि अगर आप ये क्वांटिटी ठीक डालेंगे ना तो फिरनी आपकी बिल्कुल ठीक बनेगी, मजे की बनेगी। अब उसमें आपने क्या करना है, 3 ग्लास दूध है और 1/2 ग्लास चावल का आटा, इसको कहीं पर लिख के रख लें, ठीक है? ये रेशियो है, 3 ग्लास दूध और 1/2 ग्लास चावल, 1 ग्लास ले लें उसी से दूध नापना और उसी से चावल का आटा, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपकी फिरनी कहीं नहीं जाएगी, बहुत मजे की बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी और बहुत आपकी तारीफें होंगी। इस ईद पे बच्चों के लिए बनेगा कुछ खास, और वो खास क्या है, डोनट का पहाड़ बना देंगे हम, और बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं क्योंकि कलरफुल सी एक चीज हो जाती है और बहुत मजे के लगते हैं खाने में, और बच्चे खा खा कमले हो जाते हैं। चलो जी, रेसिपी शुरू करें। सबसे पहले हमने क्या करना है, ईस्ट को प्रूफ कर लेना है। 1 टेबलस्पून ईस्ट चाहिए आपको, जिसको मैंने 4 टेबलस्पून के करीब पानी है, नीम गर्म पानी है, जिसमें डाल के मैं गर्म जगह पे रख दूंगी। आजकल तो वैसे गर्मी हो गई है, हर तरफ ही गर्मी है, फिर भी आप इसको चूल्हे के पास रख दें। अच्छा, अब हम मिक्सिंग करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए 4 अंडे, 4 टेबलस्पून चीनी, 1 कप दूध, 2 टेबलस्पून मक्खन, चुटकी भर नमक। इन सब चीजों को आपने खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं आपको खाली अंडे इसलिए दिखाई जा रही हूँ क्योंकि बाकी चीजें हमारी रिकॉर्ड गलत हो गई, खराब हो गई। अच्छा, उसके बाद आपने इस बैटर में मैदा डालना है, 4 कप मैदा, जो कि आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। फिर आपने इसको क्लिंग रैप लगा के या अच्छी तरह ढक के चूल्हे के पास रख देना, ठीक है? और जब ये डबल हो जाए अपने साइज में, फूल जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से जब ये फूल जाए अपने साइज से, डबल हो जाए, तो आपने इसको 1-2 मुखियां और मारनी है, पंच मारने हैं, और उसके बाद उसका पेड़ा बनाना है और उसको बेलना शुरू कर देना है। अच्छा, इसके ऊपर जो हम चॉकलेट लगा रहे हैं ना, वो भी मैं अभी आपको बनानी बताऊंगी, बहुत ही मजे की वो बनती है।
अच्छा ये देखिए, इसको बहुत पतला नहीं बेलना, बारीक कह रही हूँ, बेलना आपने इसको, थोड़ा सा मोटा साइज रखना है। उसके बाद हम घर के जो तैयार डोनट कटर जो हमारे सबके घर में अवेलेबल है उससे इसके डोनट्स कट कर लेंगे, शेप कट कर लेंगे। ग्लास लेंगे आप, बोतल का ढक्कन लेंगे और ये बन गए डोनट। उसके बाद आप कपड़ा बिछाएंगे साफ सुथरा सा और उसके ऊपर इन डोनट्स को रखते जाएंगे। और ये माशाल्लाह कह लो कि 100+ डोनट्स बन गए थे 4 कप से। इसी क्वांटिटी को आप हाफ कर सकते हैं अगर आपने कम बनाने हैं तो। इन डोनट्स को अब आप उस कपड़े पे रखते जाएंगे और हमने इस कपड़े पे इन डोनट्स को रेस्ट कराना है कोई कह लो कि आधा आधा घंटा, ताकि ये और फूल जाएं, क्योंकि इन्होंने भी और फूलना है। जब ये फूल जाएंगे अच्छे से फिर हम इनको फ्राइंग इनकी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल हल्का गरम ऑयल लेना है आपने, ठीक है, और उसको हल्के गरम ऑयल में ही आपने डोनट्स को डाल देना है। आंच हल्की ही रखनी है और इनको आराम से फ्राई होने देना है, ये ऑयल में जाके और फूलेंगे। उसके बाद आप इसकी साइड चेंज कर देंगे, जब एक साइड से हल्का सा कलर आएगा दूसरी साइड से भी हल्का सा कलर आ जाएगा, एंड दैट्स इट, आपके डोनट रेडी हो जाएंगे। अब हम फटाफट से इसके ऊपर लगाने के लिए चॉकलेट बनाएंगे। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर है, 3 टेबलस्पून चीनी है पिसी हुई, ठीक है, घर में ग्राइंडर में ही पीस ली थी। तकरीबन 1 कप के करीब क्रीम है, फ्रेश क्रीम, एंड वी आर गोइंग टू मिक्स इट। और ये देखो जबरदस्त सी हमारी गनाश रेडी हो गई। अब हम क्या करेंगे, डोनट जब निकल के कढ़ाई में से बाहर आएगा उसको थोड़ा सा ठंडा होने देना क्योंकि क्रीम है ना, और फिर हम उसको ऐसे डिप करेंगे चॉकलेट में और रखेंगे, और इसके ऊपर आप अपनी पसंद की स्प्रिंकल्स डालें, मूंगफली डालें, बादाम डालें, और स्प्रिंकल्स क्योंकि कलरफुल होती हैं तो बच्चे तो कहते हैं बस पता नहीं हम क्या खाने लगे हैं। ठीक है, ये देखो कितने अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। और इसी तरह से डेकोरेट करके जब आपके सारे डोनट्स रेडी हो जाएंगे तो आप उसका एक पहाड़ बना के रख देंगे और बच्चे उसको देखेंगे, वाह। अच्छा जी, बहुत मजे के ये बने थे डोनट्स, बहुत जबरदस्त बने थे, सबने बहुत इंजॉय किए, जरूर आपने ट्राई करने हैं। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। ईद पे सबने अपने बच्चों का सरप्राइज करना है, जहाँ आपके घर में अगर गेस्ट भी आ रहे हैं तो बच्चे तो जरूर सरप्राइज हो जाएंगे इस चीज को देख के, क्योंकि बच्चे तो पुलाव बिरयानियां कम खाते हैं, उनको कलरफुल चीजें चाहिए। असल जायकेदार यखनी पुलाव कैसे बनता है, कौन से अहम राज हैं, आज हम ये जानेंगे। बहुत ही मजेदार बीफ पुलाव बनने वाला है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए यखनी। अच्छे यखनी पुलाव की जान होती है अच्छी यखनी, और अच्छी यखनी बनती है कुछ खास मसालों से, और वो खास मसाले कौन से हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए प्याज, 3 अदद प्याज हैं आप देख सकते हैं, 1 टेबल स्पून आपको भर के चाहिए सूखे धनिया का और 1 टेबल स्पून चाहिए आपको सौंफ का, 1 लहसुन की पोथी डाली है, 1.25 किलो के करीब तकरीबन गोश्त है, बीफ है, आप इसकी जगह मटन चिकन कुछ भी ले सकते हैं। इन सब चीजों को आप पानी डाल के नमक डाल के चूल्हे पे चढ़ा देंगे, उबाल आ जाएगा तो आंच हल्की कर देंगे, जितनी हल्की आंच पे गोश्त गलेगा उतना ही मजे का टेस्ट आएगा और गोश्त भी उतना ही अच्छा गलेगा। यखनी हमने चढ़ा दी है, रेडी होने के करीब है, तो अब हम चावलों के लिए तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमने सबसे पहले प्याज चढ़ा दिया चूल्हे पे, 3 बड़े प्याज हैं और 2 से 3 कप तक ऑयल है। प्याज को अच्छा ब्राउन करेंगे ताकि अच्छा सा कलर आए हमारे पुलाव का। इसमें जो गरम मसाला डलेगा, 3 दालचीनियां हैं, 1 बादियान का फूल, काली मिर्चें हैं थोड़ी सी, 5 लौंग हैं, चुटकी भर जीरा है और 4 हरी इलायचियां हैं। अच्छा जी, अब हमने ये सारे मसाले डाल देने हैं। 6 बड़े टमाटर हैं, 3 टेबल स्पून अदरक है और 15 हरी मिर्चें हैं। अब इनको आप क्या करेंगे, अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये मसाला घी छोड़ दे, ठीक है, ताकि जबरदस्त सा ग्रेवी मसाला हमारा रेडी हो जाए। यखनी भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। 6 गिलास चावल हैं, ठीक है, 6 गिलास चावल हैं जिनको चुन के अच्छे से मैंने भिगो के रख दिया है। तकरीबन चावलों को आप कोशिश करें कि आधा घंटा 40 मिनट तक जरूर भिगो के रखें, और उस दौरान हमने देखें अपना मसाला मजे का जबरदस्त सा रेडी कर लिया है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। अच्छा ये देखें, मसाला जो है हमारा रेडी हो गया, उसके बाद मैंने उसमें डाल दी यखनी। 12 ग्लास यखनी चाहिए, 6 गिलास चावल थे ना उसका डबल हमें यखनी चाहिए। अगर 1 आधा ग्लास कम हो जाए तो पानी आप ऐड कर सकते हैं। चलें जी, यखनी ऑलमोस्ट गर्म ही थी इसलिए उबाल फटाफट से आ गया, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिए चावल। और अब इसकी आंच आप तेज रखेंगे और तेज आंच पे हम चावलों को पकने देंगे यहां तक के इतना पानी रह जाए। इतना, ये देखें काफी हद तक पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा सा पानी है। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप चावलों को
दम पे लगा दें। अब मैं इसको कवर कर दूंगी, आंच को 1-2 मिनट को तेज रहने दूंगी, फिर उसके बाद आंच को हल्का कर दूंगी, और उसके बाद 6 मिनट का दम मैंने इसको लगाया है। 6 मिनट बाद हमने ढक्कन उठाया और ये देखें जबरदस्त से हमारे चावल बनके रेडी, बहुत ही मजे के खिले खिले चावल बने थे, और जायका तो आप पूछे ही मत। कोई भी दावत हो और दही भले ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दही भल्लों की रेसिपी जितनी मैंने सिंपल और आसान कर दिया ना, आप जब चाहें जैसे चाहें बना के खा सकते हैं। तो जबरदस्त से दही भल्ले आज हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? भल्लियाँ चाहिए। हाँ जी, अच्छा भल्लियों को मैं जो होना पानी की बजाय बटर मिल्क में भिगोती हूँ, चाटी की लस्सी में भिगोती हूँ। ये देखें वो लस्सी जिसमें से मक्खन निकला होता है, उस लस्सी में मैं भल्लियाँ भिगोती हूँ, बहुत टेस्ट पे फर्क पड़ता है। एक प्याज लिया हमने जिसको काट के नमक लगा के रख देना है। आलू है, 4 आलू वाले हैं, 1 पाव भलियां थी, ठीक है। आलू कट के रेडी हो गए, प्याज डल गए। प्याज इज द मैजिक इंग्रेडिएंट, मस्ट है, इसको स्किप नहीं करना। अब हम बनाएंगे रायता जबरदस्त सा, जिसके लिए हम दही में हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है पीस के उसकी चटनी बना के वो डालेंगे। मैंने ऑलरेडी बना के ये फ्रीज की हुई थी, इसलिए ये क्यूब क्यूब नजर आ रहे हैं आपको। अब हम इसके ऊपर से अपना रायता डाल देंगे मिक्स मिक्स करके। इसमें नमक मैंने थोड़ा सा डाल दिया है और थोड़ी सी चटनी रह गई है, कोई बात नहीं, उसको अभी हम सेटल डाउन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से चाट मसाला छिड़क देंगे और बस ये लो खाओ, इंजॉय करो। जबरदस्त बनते हैं, बहुत मजे का टेस्ट आता है, और सिंपल के सिंपल। वरना देखा बच्चे, ये चीज निकाल वो चीज निकाल, ये नहीं खाना। इसके साथ आप मीठी चटनी बना सकते हैं, इमली आलू बुखारे की, खुबानी की, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसकी रेसिपी। और ये देखें क्या जबरदस्त से क्विक दही भल्ले रेडी हैं। आप अपना मेन्यू, कि आप स्पेशल क्या मेन्यू बना रहे हैं इसी पे जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करेंगे। कल एक और जबरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।